गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड थैंक्स फॉर ऑल्सो सब्सक्राइबिंग मी एंड शेयरिंग योर कमेंट्स। अब आज के जो लेक्चर है, कंटिन्यूशन है हमारी यूनिट नंबर 3 की, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। 5th पार्ट आज मैं अपलोड करूँगा और आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, सुनना है और पढ़ने की कोशिश करना है। एनी केस, इन केस ऑफ एनी डाउट्स, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, यू कैन शेयर योर कमेंट्स और मैं आपको, आपके जो रिप्लाई कमेंट्स होंगे उनको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। आज का लेक्चर हमारा जो बेस्ड है वो हमारा, जैसे कि हमने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक पढ़ लिया था, आज हम एफ ब्लॉक की बात करेंगे। एफ ब्लॉक नीचे बेस्ड है, नीचे अलग सेपरेट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, और होप आप लोग पीरियोडिक टेबल को इन जो छुट्टियां हैं आपकी, घर पे रहना है आपने और इसको ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा पीरियोडिक टेबल को बनाकर लर्न करने की कोशिश करना है। मैं अपने पॉइंट्स भी बताऊँगा कैसे पीरियोडिक टेबल लर्न करे जाए, करना है। नाउ विल स्टार्टिंग विद दिस लेक्चर। सबसे पहले वी हैव द व्हाट आर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हैं? द एलिमेंट इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एनी वन ऑफ द 7 एफ ऑर्बिटल्स ऑफ एनी एफ सबशेल आर कॉल्ड एज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। वो एलिमेंट्स जिसके अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी एफ सबशेल के अंदर दाखिल होता है, उन एलिमेंट्स को हमने एफ ब्लॉक का नाम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एफ ब्लॉक एलिमेंट। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट आर एन माइनस टू एफ 1 to 14, एन माइनस वन डी 0 to 1, एन एस टू। इसमें जो फिलिंग होती है वो इनर शेल, इनर टू इनर शेल में होती है, एफ सब शेल के अंदर 1 से लेकर 14 भरे जाते हैं और इसीलिए इस जो हमारे सीरीज़ हैं, 2 सीरीज़ हैं हमारे पास, इसके अंदर 14 14 एलिमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ब्रीफली अबाउट एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। देयर आर 2 सीरीज इन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। वन इज कॉल्ड एज लैंथेनाइड सीरीज एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज एक्टिनाइड सीरीज। इनको लैंथेनाइड भी बोला जाता है, एक्टिनॉइड्स भी बोला जाता है और दे कंसिस्ट ऑफ 14 एलिमेंट ईच। दीज आर कॉल्ड एज रेयर इनर एलिमेंट्स या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये हमने पीरियोडिक टेबल का लास्ट सेक्शन पढ़ा जिसके अंदर हमारा एफ ब्लॉक आया। तो हमने अब तक पूरा पीरियोडिक टेबल कवर कर लिया। इसके अंदर एस ब्लॉक है जो कि हमारा एक्सट्रीम लेफ्ट पे है, राइट पे हमारा पी ब्लॉक है, बीच में हमारा डी ब्लॉक है और बिल्कुल नीचे बॉटम पे 2 सीरीज़ हैं, लैंथेनॉइड्स और रेक्टिनॉइड्स, और 14 14 एलिमेंट के साथ ये हमारा एफ ब्लॉक है। तो ये होप आपको ये पूरा जो पीरियोडिक टेबल है जिसका, जो हमारी इस लेक्चर के अंदर क्लासिफिकेशन की गई, वो समझ आया होगा आपको। अब हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ की तरफ बढ़ेंगे। अब हम एक एक ब्लॉक की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे बेटा। मैं आपके साथ इनको रीड करूँगा तो, और आपने इनको अपनी कॉपी पे प्लीज़ नोट डाउन कर लेना है जिससे कि आपको दिक्कत ना आए, आप इसके शॉर्ट नोट्स बना दे लेने हैं। मैं बिल्कुल एक एक पॉइंट आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ और होप इनको नोट कर लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स की। They are soft metal with low melting and boiling point. प्यारे बच्चों, आपको क्लियर हो गया होगा कि ये सॉफ्ट मेटल हैं। मेटल हालांकि हार्ड होते हैं बट ये सॉफ्ट हैं। जैसे कि आप जानते हैं सोडियम जो धातु होता है उसको हम ब्लेड से या नाइफ से काट सकते हैं, रबड़ जैसा होता है, तो ये सॉफ्ट मेटल है। इसी कारण से दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दे हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी एंड हाई इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर। ठीक है, इनकी आयनेशन एंथैल्पी कम है
और हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है. दे लूज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन रेडली टू फॉर्म प्लस वन एंड प्लस टू आयन. ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और प्लस वन चार्ज ले लेता है या प्लस टू चार्ज ले लेता है. अल्कली मेटल के केस में प्लस वन और अल्कलाइन अर्थ मेटल के केस में प्लस टू. दे आर वेरी रिएक्टिव द मेटल्स. द मेटेलिक कैरेक्टर एंड द रिएक्टिविटी इंक्रीजेस एज वी मूव डाउन द ग्रुप. बिकॉज ऑफ हाई रिएक्टिविटी दे आर नेवर फाउंड इन प्योर स्टेट या नेचर. ये काफ़ी ज़्यादा क्रियाशील पदार्थ हैं और जैसे जैसे हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम नीचे की तरफ मूवमेंट करते हैं इनका मेटालिक कैरेक्टर और इसकी रिएक्टिविटी दोनों की दोनों बढ़ती है. और रिएक्टिविटी के कारण ये कभी भी हमारे जो मेटल्स हैं वो प्योर स्टेट में उपलब्ध नहीं होते. आगे बढ़ते हुए पॉइंट फिफ्थ, द कंपाउंड ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स विथ एक्सेप्शन ऑफ दोज बेरिलियम आर प्योरली आयनिक. क्या मतलब हुआ इसका? बेरिलियम को छोड़कर जितने भी हमारे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं ये जनरली आयनिक कंपाउंड्स बनाने प्रेफर करते हैं. आयनिक बॉन्ड आप जानते हो बेटा कौन सा बॉन्ड होता है जिसके अंदर हमारा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, उसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं. सिक्स प्रॉपर्टी है, मोस्ट ऑफ द मेटल्स एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम ऑफ दिस ब्लॉक इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक कलर टू द फ्लेम. बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़कर जब हम इन धातुओं को गर्म करते हैं तो ये जो बंसन फ्लेम होती है उसके ऊपर रखने पर ये कलर्ड लाइट उसमें से नज़र आती है. इसके बाद हम बात करते हैं दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. इलेक्ट्रॉन लूज करता है इसलिए क्या ये रिड्यूसिंग एजेंट्स है. और लास्ट प्रॉपर्टी है दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. तो ये मैंने आपके साथ डिस्कस किए जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स. अब हम इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए इसी का आगे का पार्ट भी पढ़ेंगे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स. ये भी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे डियर स्टूडेंट्स. फर्स्ट प्रॉपर्टी है पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. पी ब्लॉक के अंदर कुछ धातु भी हैं और कुछ अधातु भी हैं. देयर आयनाइजेशन एंथैल्पी आर रिलेटिवली हायर एज कम्पेयर टू द एस ब्लॉक एलिमेंट. इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो अधिक होती है किससे? हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट से. दे मोस्टली फॉर्म द कोवेलेंट कंपाउंड्स. ये जनरली जो है कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाना पसंद करते हैं. और कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं बेटा? जिसके अंदर म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सम ऑफ देम शोस मोर देन वन वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट इन देयर कंपाउंड्स. इनकी जो ऑक्सीजन स्टेट है वो वेरिएबल होती है. जैसे कि जो हमारा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे लेड है हमारे पास, लेड जो है ये पी वी प्लस टू भी बनाता है और लेड हमारा पी वी प्लस फोर भी बनाता है. ऐसे ही एस एन प्लस टू भी बनता है 10 और Sn प्लस फोर भी बनता है. तो ये कहलाता है हमारा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स. देयर ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. इनकी जो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर है वो बढ़ती है लेफ्ट टू राइट मूव करने पर, जो कि पीरियड्स होते हैं हमारे इन द पीरियड्स. एंड द रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम. और रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो है ऊपर से नीचे जाने पर जो कि ग्रुप है उसमें हमारी क्या होती है? बढ़ती है. और इसी तरीके से अब हम इसके साथ डी ब्लॉक की भी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर पढ़ लेंगे. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है. एन माइनस वन डी वन टू टेन एन एस जीरो टू टू वेयर एन इज इक्वल टू फोर टू सेवन. ये इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं. अब हम इसके बाद इस लेक्चर के अंदर डी ब्लॉक की भी प्रॉपर्टीज़ को याद करने की कोशिश करेंगे. और इसको भी प्लीज़ आपने अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लेना है. और आज का जो लेक्चर होगा ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर था और इनको आपने लर्न करने की कोशिश करनी है नोटबुक्स में अपने नोट करते हुए. जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, दे आर हार्ड, सख्त होते हैं, मेलेबल हैं, डक्टाइल मेटल्स विथ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. मेटल के सभी गुण इसके अंदर है, हार्ड हैं, मेलेबल है. मेलेबल का मतलब होता है इनकी शीट्स बना सकते हैं. डक्टाइल का मतलब है डक्टेबल है, मतलब इसकी हम वायर्स बना कर सकते हैं. और इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है? अधिक होता है. दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है
विद्युत ऊर्जा और हमारे जो ऊष्मीय ऊर्जा उनके संचालक हैं। देयर आयनेशन एनर्जीज आर बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। इनकी जो आयनेशन एंथैल्पी की वैल्यूज़ है वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में है। दे शोज वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट, इनकी वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट आती है। और इसमें मैं आपको उदाहरण दूंगा, ऑस्मियम जो है हमारा, ऑस्मियम का जो ऑक्सीजन स्टेट है वो +8 तक जाता है। मैंगनीज है ये +7 तक शो करता है। तो ये वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट की हमने इसमें बात की। इसके बाद आगे बढ़ते हुए, दे फॉर्म बोथ आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास दे सिक्स, देयर कंपाउंड्स आर जनरली कलर्ड एंड पैरामैग्नेटिक इन नेचर। इनके जितने भी कंपाउंड्स हैं वो कलर्ड हैं, जब हम इसको सॉल्यूशन में डालते हैं तो कलर्ड सॉल्यूशन बनता है। और पैरामैग्नेटिक इन नेचर मतलब ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करता है, मैग्नेट जो चुंबक होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आकर्षित होता है। दे आर फॉर्म कलर्ड कम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्सेस बनाए जाते हैं वो कलर्ड होते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स सच एस वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एक्सेट्रा एंड देयर कंपाउंड्स आर यूज एज एन कैटलिस्ट। तो प्यारे बच्चों, आपने कैटलिस्ट के बारे में पढ़ा है, जो कि कैटलिस्ट क्या होता है, ऐसा पदार्थ जो कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है उसको फास्ट कर देता है। तो उनके अंदर हम ट्रांजिशन मेटल्स का प्रयोग करते हैं। और 9th प्रॉपर्टी है, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म अलॉयस। ये सभी के सभी अलॉयस बनाते हैं, अलॉयस लाइक स्टेनलेस स्टील, जिसे हम हिंदी में मिश्र धातु बोलते हैं, ये बनाते हैं। ब्रास हो गया, ब्रोंज हो गया, जर्मन सिल्वर हो गया, ये अलॉयस हैं हमारे। इसके बाद हम बात करेंगे जिंक, कैडमियम, मरकुरी विच हैव N-1d10 NS2 इलेक्ट्रॉन, दे डू नॉट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल। ये लास्ट में इनका फुलफिल्ड होने के कारण डी सबशेल, ये ट्रांजिशन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ शो नहीं करते हैं। तो ये हमने इसकी 10 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो ये आपने इसमें नोट कर लेना। और लास्ट में इसमें पार्ट में आप देखेंगे इसमें क्या है, मैंने जनरल आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स लिखा है, जो भी हमने अपने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया, अभी जस्ट स्टार्टिंग लेक्चर में N-2 F1 to 14 N-1 D0 to 1 NS2। तो ये इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो आपने आज का जो थ्योरेटिकल टॉपिक था थोड़ा सा ध्यान से करना है, थोड़ा सा मुश्किल भी था। आपने इन पॉइंट्स को कम से कम, मतलब मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, सारे पॉइंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें से बेस्ट 5 पॉइंट्स जो आपको आसानी से याद हो जाएं उनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। और पढ़ना तो सारे ही हैं, आपने प्रॉपर्टीज़ तो सारी पता होनी चाहिए, क्योंकि आगे जैसे कि आप जानते हैं कि आगे किसी बच्चे ने अगर इंजीनियरिंग की और मेडिकल के एंट्रेंस की तैयारी करनी है तो उनको सारा का सारा टॉपिक क्लियर होना चाहिए, सारे पॉइंट्स उनको क्लियर होने चाहिए। लेकिन हाँ, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में जैसा मैंने अपनी वीडियोस में बताया है कि भाई आपने अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 या बेसिकली 5 पॉइंट्स लिखने होते हैं। तो आप सोचेंगे कि भाई 10 पॉइंट्स क्यों पढ़ा दिए सर ने हमारे को, इतनी डिटेल में नोट्स क्यों बना दिए। तो डिटेल में नोट्स बनाने का मेरा यही मकसद है कि जब आप अपनी AIEEE की या JEE मेंस या हमारे मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी करें तो तब आपको सिलेबस पूरा कंप्लीट तैयार करना होता है। तो उसमें आपको सारी प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, तो उसमें आप स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए मैं आपके साथ अपने सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं। तो आप अपनी कॉपी के ऊपर अपने अनुसार जो आपको याद हो जाएँ वही 5 पॉइंट्स नोट करने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, क्योंकि आज का लेक्चर ज़्यादा बड़ा ना हो जाए और बोरिंग ना लगे आपको, तो इसलिए मैं अगले जो जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, ब्लॉक जो पेंडिंग रह गई, वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड शेयरिंग योर कमेंट्स। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करने से ये होता है कि मोटिवेशन मिलती है वीडियोज़ को और बढ़िया बनाने की। और आज कोशिश करूँगा आपको एक लाइव लेक्चर आपके साथ डिस्कस करूँ, अपना अपलोड करूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड सपोर्टिंग मी। थैंक्स अ लॉट।